दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या मोटापा के मरीज़ जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम होने ज़्यादा चांस होता है, वो कौन सी ऑयल यूज करें कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। तो आप सब जान लीजिए कि अगर हम रैंकिंग करें, टॉप बेस्ट ऑयल नंबर टॉप वन नंबर है और सबसे लीस्ट यूज करना चाहिए उसे बोलते हैं, उसे स्टार्ट करेंगे हम। तो कुकिंग ऑयल में सबसे ख़राब ऑयल है, जितने हमारे ये ऑयल्स होती मार्केट में आती है, ये जैसे कि ये पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जैसे कि डालडा, रथ वनस्पति घी, ये सब बहुत ही ख़राब ऑयल होती है। अक्सर जो बाहर कुकिंग करते हैं ठेला वाले, ये सब इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, ये लंबे टाइम टिकता है, इसको बार बार कुकिंग लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्लस आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्लस गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल डाउन करता है, प्लस बॉडी में इन्फ्लेमेशन करके आपको फ्यूचर में डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा खतरा बढ़ाता है। इसे इसको यूज नहीं करना है। सो ये सबसे वर्स्ट ऑयल है, इसको आप यूज नहीं करना है। अब इसके बाद और जो ऑयल आता है उसकी बात करें, फिर हमारा आता है पूफा ऑयल्स। अब देखिए जो बहुत कॉमनली यूज है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल पूफा ऑयल, उसमें आता है आपका सोयाबीन ऑयल बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल। ये ऑयल इसके अंदर क्या होता है कि पूफा जो होता है मोर देन 55% होता है। तो जिस ऑयल के अंदर पूफा ऑयल होता है वो खराब ऑयल है, इसको यूज नहीं करना है। दुर्भाग्य क्या है कि मीडिया में, टीवी में आप रोज ऐड देखते हो कि सोयाबीन ऑयल हेल्दी है, ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये सच है कि ये सारे ऑयल ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी घटाते हैं, बट ये गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो हमारे हार्ट को बचाता है, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर कोई जम भी जाता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल उसको वहाँ से खोद के, खुरच के बाहर निकाल के और वापस उसको लीवर सप्लाई कर देता है, वहाँ से वो स्टूल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये एचडीएल को नहीं बढ़ाते हैं। प्लस सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये जो ऑयल्स होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं, ये ऑयल बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं। बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि एक तरह केमिकल रिएक्शन करते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके फ्यूचर में आपके अंदर डायबिटीज खतरा, हार्ट अटैक खतरा, मोटापे खतरा बढ़ जाता है। प्लस इनके साथ क्या होता है कि ये ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है और इनके अंदर ओमेगा 3 केवल आपको सोयाबीन अलावा सोयाबीन फैट ऑयल के अलावा किसी में ओमेगा 3 नहीं होता है। तो ये जितने भी पूफा ऑयल्स होते हैं, ये चूंकि इन्फ्लेमेशन करते हैं इसलिए अच्छे ऑयल नहीं है, इसको कुकिंग अवॉइड करना। प्लस सारे ऑयल्स होते हैं ये रिफाइंड ऑयल होते हैं, देखा गया कि पता नहीं क्या देयर मैकेनिज्म स्टिल क्लियर नहीं है, जितने रिफाइंड ऑयल्स होते हैं बॉडी के अंदर बहुत हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारे ऑयल आपको यूज़ अवॉइड करना है। बाहर अक्सर कुकिंग वालों को देखता हूँ मैं, वो पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं, प्लस सोयाबीन ऑयल कॉमनली यूज करते हैं, प्लस आप अक्सर देखे तो न्यूट्रालाइट या अमूल लाइट, इन सब के अंदर भी कम से कम 50% होता है इनके अंदर ये पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, प्लस के अंदर जैसे कि ये अमूल लाइट, न्यूट्रालाइट, इसके अंदर भी सेम होता है, इसलिए इसको भी आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑयल हमारा आया राइस ब्रैन ऑयल। पहली बात, ये भी
रिफाइंड होता है, प्लस इसके अंदर करीब 38% पुफा है, इसके अंदर 38% पुफा है, तो ये भी अवॉइड करना है। जबकि इसके अंदर बड़ा ऐड होता है, ये सच है, इसके अंदर गामा ओरिजिनल एक कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है। ये गुड चीज़ है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, बट चूंकि ये रिफाइंड ऑयल है प्लस इसके अंदर पुफा मात्रा 38% है, मुफा 37% है, सो ओवरऑल इसको भी अवॉइड करना है। आपको टीवी में ऐड बड़ा दिखता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम, सच बात है कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बट चूंकि इसके अंदर पुफा काफ़ी 1/3 है, इसके अंदर ओमेगा 3 नहीं है, ओमेगा 6 ज़्यादा है, प्लस रिफाइंड है, इसलिए ये बैड ऑयल है, इसको हमें यूज अवॉइड करना है। अब फिर नेक्स्ट चलते हम लोग, जो हमारा जो काफ़ी एरिया यूज था तिल का तेल, उसे हम बोलते हैं सिसमे ऑयल। तो सिसमे ऑयल में क्या होता है कि अगर आप दिखाओ मैं, सिसमे ऑयल में क्या होता है कि फोर्टी में होता है ये हमारा पुफा, पुफा ऑयल, तो ये रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इस तो नॉट गुड ऑयल, बट इसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और चूंकि ये अनरिफाइंड भी यूज किया जाता है, तो हमारे कई एरिया में यूज अनरिफाइंड यूज कर रहे हैं, कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बट इसका पर डे एक आदमी पे मैक्सिमम 3 चम्मच अलाउड है, इसे नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारा पुफा मात्रा बढ़ जाएगी। तो पुफा नॉर्मली डाइट का हमारा 10% पुफा होना चाहिए, 10% मुफा और 10% सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या आता है, हमारा घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल। प्योर मुफा में आता है हमारा ऑलिव ऑयल, जबकि हमारे ये सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसके अंदर मुफा होता है अच्छा खासा। तो अब बात करते हैं, इसलिए सेसमे ऑयल यूज़ करते हैं, पर 3 चम्मच ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर हमेशा अनरिफाइंड यूज़ करना आपको, रिफाइंड कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना आपको। रिफाइंड ऑयल में समहाउ ऑयल के बेनिफिट घट जाते हैं, उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी घट जाती है, और पता है समहाउ कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा के आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग पीनट ऑयल, मूँगफली का तेल, ये हमारे भारत के कई एरिया में यूज होता है। इसके अंदर हमारा अगर देखें इसके अंदर तो फोर्टी एट परसेंट इसके अंदर मुफा होता है, जो अच्छा तेल होता है, गुड गुड ऑयल है। पुफा 33% है, प्लस के अंदर विटामिन ई भी होता है, तो अनरिफाइंड आप यूज कर सकते हैं, बट मूंगफली तेल चूंकि बहुत कम हीट पर 160 डिग्री पे ये बर्न कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है, इससे इसको आप पूड़ी बनाने के लिए, तलने के लिए यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप इसको पर डे 3 चम्मच तक एक आदमी पे अलाउड, अगर आप घर में 4 लोग हैं तो पर डे 12 चम्मच यूज किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मूंगफली तेल यूज कर सकते हैं, बट एक दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं, बहुत हेल्दी ऑयल है बट बेस्ट ऑयल नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब लेते हैं हम लोग सरसों का तेल, उसी तरह कनोला ऑयल होता है, दोनों सेम होता है, सेम इक्वल है दोनों। इन तेल के अंदर 61% होता है मूफा, जो अच्छा ऑयल होता है, ये अनरिफाइंड यूज होता है, कच्ची घानी तेल अच्छा है, रिफाइंड सरसों नहीं यूज करना। होता है कि कच्ची घानी तेल निकालने के बाद जो बचता है प्रोडक्ट, उसको लोग
फिर से उसको हीट करके केमिकल डाल के बचे ऑयल करीब 10 से 20% ऑयल को उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, उसको यूज़ नहीं कर। आपको कच्ची घानी ठीक है, कच्ची घानी का तेल ओके है। सरसों के तेल के अंदर जैसे बोला कि 61% मूफा होता है, 7% सैचुरेटेड फैट होता है और 32% पुफा होता है। इसमें पुफा काफ़ी होता है। अब जान लीजिए पुफा पॉलीसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हर खाने में होता है, चाहे आप चावल ले लीजिए गेहूँ ले लीजिए, हर फूड में पुफा मात्रा होता है। तो पुफा बॉडी ज़्यादा होने से इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए आप इसको सरसों तेल भी आप 3 चम्मच पर डे एक आदमी के ऊपर या महीने में मैक्सिमम 1/2 लीटर एक आदमी पे, इससे ज़्यादा यूज नहीं करते। इसलिए आप इसमें आप सब्जी बना सकते, इसका पे तड़का लगा सकते हैं, बट इसको तलने के लिए अक्सर यूज ना करें, क्योंकि तलने में मान लो आप पकौड़ी खा रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा खा 3 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली पकौड़ी में या कुछ टिक्की बना रहे हैं तो तलने में अवॉइड करें। इसको आप सब्जी बनाइए, इसको आप तेल में छौंका लगाइए, ये सब कर सकते हैं। एक आदमी पर डे 3 चम्मच अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें डाइट का कम से कम 30% फैट मिलना चाहिए। और हम 2017 किलो वेट है, हमें 2000 कैलोरी पर डे चाहिए, तो उस 2000 कैलोरी में से कम 600 कैलोरी हमें मिलना चाहिए फैट से। और 1 ग्राम फैट से जान लीजिए 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, 9 किलो कैलोरी। तो अगर हम 600 कैलोरी ले रहे हैं और 600 को 9 डिवाइड कर दिए तो कम से कम 65 ग्राम फैट डेली लेना आपको कम से कम। तो 65 ग्राम में अप टू 15 ग्राम फैट तेल आप यूज करते हैं 3 चम्मच, तो इससे बाकी आपको कम से कम 50 ग्राम आपको लेना है अदर सोर्स से। तो अब हम बात करते हैं कि अदर सोर्स में हमारा अदर बाकी बताएंगे आपको। फिर नेक्स्ट आता हमारा ऑलिव ऑयल, नेक्स्ट आएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये क्या होता है कि ऑलिव को क्रश करके कोल्ड प्रेस करके निकाला जाता है, ये रिफाइंड नहीं होता है। इसमें आपके उससे सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आपको हार्ट को बचाते हैं, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्लस बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करके फ्यूचर में आपको मोटापा कम में हेल्प करता है, हार्ट अटैक कम में हेल्प करता है। इसीलिए जो यूरोप के इटली साइड के लोग होते हैं बहुत ऑलिव ऑयल खाते हैं, वो स्लिम भी होते हैं, उनको हार्ट अटैक खतरा सबसे कम होता है, डायबिटीज खतरा बहुत कम होता है। तो ये गुड ऑयल है, यूज ये अच्छा ऑयल है, गुड ऑयल है, आप इसको अच्छे मात्रा में यूज कर सकते हैं। हम भी अपने घर में इसको यूज करते हैं, इसको आप पराठा बनाने में, इसको आप ऑमलेट बनाने में यूज करते हैं, आप इसको आप ड्रेसिंग में यूज करते हैं, आप चुपड़ने में यूज करते हैं, आप पर इसको आप इसके चूंकि इसके स्मोक पॉइंट केवल 160 डिग्री होता है, जबकि हम जब फ्राई करते हैं, फ्राई करते समय हमारा टेम्परेचर कम से कम 70-80 चला जाता है, इसलिए आप इसको फ्राई के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्राइंग के लिए नॉट यूज। तो आई होप इसे नॉलेज मिली, एक्स्ट्रा वर्जिन कोको ऑयल ऑलिव ऑयल गुड है, गुड है, इसको आप 2-3-4 चम्मच डेली ले सकते। तो आपने 15 ग्राम वो आ गया, आप करीब 15 ग्राम के आसपास आपने ये ले लिया 3 चम्मच, या 20 ग्राम ले लिया आपने ये। अब बचा top 3 oils, तो top 3 oil में जान लीजिए कोकोनट आता है number 3 oil। दुर्भाग्य से कोकोनट और सैचुरेटेड फैट होने की वजह से आपका ये ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाता है, आपका ये LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसलिए लोग इसको बैड मानते हैं दुर्भाग्यवश। लेकिन अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल HDL भी बढ़ाता है, और जो ऑयल HDL बढ़ाता है वो देखा गया हार्ट अटैक खतरा घटाता है। प्लस क्या होता है कि कोकोनट के अंदर होता है मीडियम चैन फैटी एसिड, इसके अंदर होता है
जो एल्जाइमर, जो बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है, आपने सुना होगा एल्जाइमर डिसीज, उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। तो अगर आपके परिवार में किसी को याददाश्त कमजोरी शिकायत है, उनको कोकोनट ऑयल लेना चाहिए। कोकोनट, जो आप हम गरी होती गरी कोकोनट व्हाइट वाला जो खाते हैं कच्चा, या पका कोकोनट खाना प्रमोट करना चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में डिमेंशिया होने यानी याददाश्त कम होने खतरा, एल्जाइमर डिसीज खतरा घटेगा। तो ये गुड ऑयल है, आपको पर डे 92% सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये गुड अच्छा ऑयल है, इसको आप, इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसको 177 होता है, तो आप इवन फ्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस ये सैचुरेटेड फैट जो होते हैं फ्राइंग पर डिग्रेड नहीं होते हैं, तो देखा गया कि लॉन्ग टर्म में ये फ्राइंग के लिए अच्छे ऑयल होते हैं। अब बात करते हैं टॉप टू ऑयल, टॉप टू कुकिंग मीडियम के हमारे क्या हैं। तो टॉप टू कुकिंग मीडियम हमारे हैं बटर, मक्खन एंड घी। मक्खन घी में क्या होता है, करीब 68% के अंदर होता है सैचुरेटेड फैट, 28% होता है इनके अंदर मूफा, एंड पूफा केवल होता है 4%। तो जिसमें पूफा कम होगा वो गुड ऑयल होते हैं। अब देखिए घी मक्खन में 4%, कोकोनट में केवल 2%, ऑलिव में केवल 10%, जबकि हमारे मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट ऑयल, इसमें करीब 32, 33, 39, 1/3 करीब हैं। राइस ब्रान 37% ये है, जबकि अदर जो हमारे पूफा ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, सैफ्लावर, इसमें मोर देन 50% पूफा ऑयल हैं, ये बैड ऑयल्स हैं। तो फिर से टॉप पे चलते हैं हम लोग मक्खन बारे में। मक्खन आपको याद होगा हमारे पूर्वज दादा परदादे हमेशा यूज किए हैं। मक्खन में क्या होता है, इसको आप पे इसका स्मोक पॉइंट कम होता है, इससे आप इसको आप पे पराठा बनाने यूज कर सकते हैं, आप इसको चुपड़ने यूज कर सकते हैं, बट ये इसके फ्राई नहीं कर सकते आप पे। और इनके अंदर देखा गया कि ये जितने टॉप, ये इसके अंदर ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशियो होता है 1.5 इसका, जबकि कोकोनट में होता है 1%, 1:2 का रेशियो होता है। तो जिसका नॉर्मली बेस्ट होता है कि जिसका भी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 रेशियो 4 से कम होता है वो गुड ऑयल होते हैं। तो इन सब का रेशियो देखिए 4 से कम है सब, इन सब का, जबकि हमारा मस्टर्ड ऑयल का रेशियो होता है हमारा करीब 8 से 11 के आसपास, जबकि ये जितने भी हमारे ये सब तिल का तेल या राइस ब्रान, इनसे बहुत हाई होता है, और इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रेशियो होता है इन सब के अंदर है, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, सैफ्लावर में। तो कुकिंग के लिए बेस्ट जान लीजिए, बेस्ट ऑयल है आपको घी एंड मक्खन। इनसे आपका ब्लड में, आप जान लीजिए ब्लड में क्या होगा, इनसे आपका ये जितने भी ये हमारे घी मक्खन हैं आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये बढ़ाएंगे। सिमिलरली आपको कोकोनट से बढ़ता है, लेकिन ये जो इससे जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ाएंगे, आप जान लीजिए जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो तरह होते हैं, एक होता है टाइप ए, ये दूसरा होता है टाइप बी। तो घी मक्खन ये जो बढ़ाते हैं कोलेस्ट्रॉल टाइप ए बढ़ाते हैं, टाइप ए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इवन कोकोनट भी ये टाइप ए को बढ़ाते हैं। टाइप ए जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बड़े बड़े होते हैं कोलेस्ट्रॉल बड़े बड़े, और जो हमारे धमनी के अंदर जो इतने बड़े होते हैं कि इसको पियर्स करके उसे जम नहीं पाते हैं, जबकि टाइप बी ये बढ़ता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से, ये कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, या हमारा जो ये पूफा ऑयल क्या होता है कि इससे पूफा ऑयल जिसे सोयाबीन ऑयल हमारा है, राइस ब्रान है, रिफाइंड ऑयल्स हैं,
या हमारा ये सनफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, इन सब के ये इन्फ्लेमेशन करके इस लार्ज टाइप एक एलडीएल को, टाइप एलडीएल को ये स्मॉल एलडीएल कर देते हैं। इसे बोलते टाइप बी पैटर्न। तो टाइप बी पैटर्न इतना छोटा होता है कि ये क्या होता है, इतना छोटा होता है कि झट इसे हमारे धमनियों को, नसों में पियर्स करके वही जम जाता है। जम कर धीरे धीरे उसको ब्लॉक करके फ्यूचर में हार्ट अटैक, फाली खतरा बढ़ा देता है। तो आप जान लीजिए घी मक्खन ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ाते हैं, बट टाइप ए बढ़ाते हैं जो हार्ट को खतरा नहीं करता। स्टडी में देखा गया है जिसका भी ओल्ड एज में जिसका भी टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, टाइप ए वैरायटी ज़्यादा था, उनको हार्ट अटैक और डेथ खतरा कम था। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे या ये हमारा रिफाइंड सैचुरेटेड रिफाइंड पुफा ऑयल खाओगे, जैसे कि सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सब खाओगे, तो ये लार्ज एलडीएल को स्मॉल एलडीएल करके आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक खतरा बढ़ा देंगे। इसलिए हमारी सलाह रहती है कुकिंग के लिए बेस्ट कुकिंग ऑयल है फ्राई, इसमें घी में कर घी बेस्ट कुकिंग घी फ्राई करिए, इससे आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक खतरा घटेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे बढ़िया बैलेंस होगा आप जो लेंगे कम से कम 20 से 30 ग्राम आपको पर डे खाना है, 4 से 6 चम्मच घी या मक्खन पहला, प्लस करीब 15 से 20 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, या जो लोग साउथ के लोग जो कोकोनट ऑयल कुकिंग पसंद करते हैं वो कोकोनट ऑयल भी लेते हैं, अगर जो पसंद है कोकोनट ऑयल वो भी अच्छा है, बट हम लोग नॉर्थ में हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते। हमारे घर में हम लोग करीब 20 से 30 ग्राम हम पर डे घी मक्खन खाते हैं, 15 से 20 ग्राम हम इसको क्या नाम की ऑलिव ऑयल लेते हैं, और करीब अराउंड 3 चम्मच हमारे यहाँ जिसके हम लोग चूँकि नॉर्थ के हैं, बचपन से हम लोगों ने घी सरसों तेल में खाया है, तो हमारी सब्जी सरसों तेल में बनती है, छौका हमारा कभी सरसों तेल लगता है कभी घी का लगता है, तो करीब 3 चम्मच यानी 15 ग्राम हमारा सरसों तेल यूज करते हैं। तो इस तरह देखिए आप 30 20 65 ग्राम ये हो गया, या 20 ग्राम ये आप हमारा घी हो गया, 15 ऑलिव ऑयल हो गया, 15 ये हो गया, तो 20 ये हो गया हमारा 50 ग्राम। प्लस आपको कम से कम ध्यान रखिए अगर आप चाहते कि हार्ट अटैक बचें आपका, तो इसके अलावा तो अगर हार्ट अटैक चाहते बचाना आप, तो आप रोटी घी चुपड़ खाइए, पराठा खाइए, आप घी मक्खन हमेशा खाइए, आप फुल क्रीम दूध पीजिए आप। प्लस उन्हें हमें चाहिए, हमने बोला कि 20 से 30 ग्राम घी बोला आपको, या आप कोकोनट लेते हैं, ऑलिव ऑयल बोला करीब 15 ग्राम के आसपास, प्लस आपने 10-15 ग्राम सरसों तेल ले लिया, प्लस कम से कम आपको 5 अखरोट डेली खाना है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है जो आपके हार्ट को बचाएगा, ये बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। अखरोट खाइए आप, प्लस कम से कम 15 से 30 ग्राम अलसी यानी फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड होता अलसी जो होता तीसी जो बोलते हैं, उसको आप अपने कढ़ाई में फ्राई करके आप 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को उसको खाइए, जिससे आपको इसके अंदर भी बहुत अलसी के अंदर कम से कम सबसे हाई मात्रा में इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी से कम से 55% 60% तक। हमारी आज के जनरेशन क्या हो रहा है कि ओमेगा सिक्स फैटी ज़्यादा खा रहा, ओमेगा 3 कम खा रहा, तो ओमेगा 3 के सोर्स जो होते हैं हमारे अलसी, अखरोट, थोड़ा बहुत हमारे सरसों तेल भी मिलता है, प्लस कुछ समुद्री मछली भी मिलता है। अगर जो लोग फिश खाते हो तो समुद्री मछली लाइक सैल्मन फिश हफ्ते में 2-3 में खा लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मिले,
पहले ज़माने क्या होता था कि लोग घी मक्खन ज़्यादा खाते थे, नॉनवेज खाते थे, तो इन सब में क्या होता है ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशियो 1:1 हुआ करता था। आज के जनरेशन में ओमेगा 6 ओमेगा 3 से 15 गुना ज़्यादा लोग खाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर सोयाबीन ऑयल खा रहे हैं, इसके बाद आप ये खा रहे हैं क्या नाम कि सनफ्लावर ऑयल खा रहे हैं, सैफर ऑयल खा रहे हैं, इन सब में जो रेशियो है करीब 15:1 का है। और आप देखिए इन सब में, तो आज के डेट में इतना ओमेगा 6 फैटी एसिड खा रहे जिसके बॉडी इन्फ्लेमेशन हो जा रहा, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा, उसको डायबिटीज फ्यूचर हो जा रहा, उसको मोटापा हो जा रहा, उसको हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जम रहा, उसका जो गुड एलडीएल जो टाइप ए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था वो ऑक्सीडाइज होकर के टाइप बी यानी स्मॉल बन जा रहा है, जिससे कि उसको नसों में जम करके ब्लॉक कर दे रहा, फ्यूचर में डिमेंशिया कर देता है, ऑटोइम्यून डिसीज का खतरा बढ़ा देता है। तो आपको डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 अखरोट प्लस 3 या 6 चम्मच अलसी बीज जरूर खाएं, हम जरूर खाते हैं। हम सुबह शाम क्या करते हैं, हम 3 चम्मच सुबह अलसी बीज खाते हैं, 3 चम्मच शाम खाते हैं, 5 अखरोट जरूर खाते हैं। और आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट खूब बढ़ाइए। हमने कई बार बता चुका है कि आपको डाइट में जो लोग डाइट में कम से कम ड्राई फ्रूट खूब खाइए, जिसके बाद जिसके पैसे कम है मूंगफली भी अच्छा है, आप मूंगफली खूब खाइए। इन सब में क्या होता है कि मैं बोला जैसे कि फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो फैट ज़्यादा हमें डाइट में कम से कम 30-35% हमें फैट जरूर लेना है। अगर ये लेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट घट जाएगी। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा डाइट में, कार्ब 50%, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया रोटी चावल आलू चीनी फ्रूट एंड मिल्क ओट्स बाजरा ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट एंड ऑयल कम से कम 30-35%। इसमें क्या बोला मैंने, ऑयल हो गया, घी मक्खन हो गया, ऑयल घी मक्खन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसमें आ गया कोकोनट हो गया, फिर प्रोटीन में आ गया हमारा करीब 15-20%। इसमें क्या आ गया हमारा जितने भी हमारे न्यूट्रिला आता है, सोयाबीन एक तरह से प्रोटीन माना जाता है, सोयाबीन जो है होता है वो प्रोटीन है। हमारे जितने भी दाल के अंदर करीब 20% प्रोटीन होता है, 50% कार्ब होता है जान लीजिए, फिर जितने भी अंडा हो गया, नॉनवेज हो गया, पनीर हो गया, आपको डाइट में घी ये सैचुरेटेड फैट का एक अच्छा सोर्स है, सोर्स होता हमारा पनीर एंड चीज। तो कोशिश करें डेली 40-50 ग्राम 60 ग्राम इसके आप करीब 50-60 ग्राम पनीर डेली खाइए, पनीर या चीज स्लाइस आते क्यों आते वो खाइए, बशर्ते आपको किडनी में प्रॉब्लम ना हो, किडनी वालों को ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। आप अंडा खाइए, उसे आप एक दो येलो भी खाते हैं, 3 अंडे सुबह 3 शाम खाइए, नॉनवेज खाइए, ये सब खाइए। इस तरह आपको डाइट में 50-55% कार्बोहाइड्रेट, 30-35% फैट एंड ऑयल एंड बाकी 15-20% प्रोटीन लीजिए। तो ये अपने इंडिया में क्या तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग रोटी चावल खाते हैं हम लोग रोटी चावल आलू, ये डाइट का कम से कम 75-80% हो जाता है। हार्डली घी मक्खन तेल खाते हैं हम लोग, हार्डली ड्राई फ्रूट खाते हैं, प्रोटीन भी बहुत कम खाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, फैटी लीवर करता है, जो टाइप ए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लार्ज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीजन ग्लाइकोसिलेट करके ऑक्सीजन अटैच करा के उसके स्मॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करके
उसको हार्ट अटैक खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए जो कार्ब ज़्यादा खाते हैं उनको हार्ट अटैक खतरा ज़्यादा होता है कंप्यूटर जो लोग घी मक्खन खाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा कि कौन सा घी मक्खन, कौन सा तेल ऑयल, कुकिंग ऑयल डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट मरीजों को लिए अच्छा होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।